रिकॉर्ड तो आज नहीं हो पाएगा फिर मेरा, हाँ तो मोबाइल से हो मैं, जाएगा। अच्छा नहीं, गूगल सीट में हम आपके साथ आज डिस्कस करने जा रहे हैं कुछ समराइजेशन फॉर्मूले के बारे में, ठीक है। सबसे ठीक पहले है, हम बात करते हैं आपको फॉर्मूला, कुछ फॉर्मूले हैं उनके बारे में एक बार बात करते हैं, ठीक है। ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सम फॉर्मूले के बारे में, राइट। तो नॉर्मली आप यहाँ पे ठीक, सम का फॉर्मूला लगाते हैं और ये आपका सम करते हैं आपका सेलेक्ट करते हैं और एंटर मारते हैं, डेटा आ जाता है। तो इसमें ठीक है, इसने कुछ इसमें डन। कोई फर्क नहीं पड़ा कि क्या है क्या नहीं है, इसने जस्ट सम कर दिया, ठीक है। जस्ट क्या कर ठीक दिया, सम कर दिया। है, ठीक है। इसका इसका जूम आंसर लेवल क्या थोड़ा होगा, सा बढ़ाइएगा सर। ठीक। जूम लेवल बढ़ क्यों रहा है इस पर, कहाँ हाँ वही बढ़ मैं भी रहा है नोट कर और रहा क्या था, कुछ दिक्कत है सर। व्यू में व्यू में जाना जाना पड़ेगा पड़ेगा, मेरे ख्याल से। हाँ नहीं, बेसिकली शेयर हो चुका है ना कई लोगों से फाइल, शायद इसीलिए। किसी और फाइल में हम करेंगे तो वो बढ़ता है, इसमें दिक्कत। अच्छा चलिए अगर कोई मैं नहीं। आप सिलेक्ट, आप जूम कर लीजिए ना, जूम है, जूम में जूम के फीचर्स हैं, हाँ ठीक आप है, एक मैंने बार कर कर लिया, आप लीजिए। रहने दीजिए, मैंने कर लिया। तो सम विथ हमने यहाँ पे क्या किया, अपना अरेंज कर लिया हिसाब। लेकिन मुझे इसमें पूजा का ही टोटल चाहिए। किसका टोटल चाहिए, पूजा का। पूजा तो का फिल्टर लगा के टोटल लगाया, उससे अच्छा है कि यहाँ हम सम इफ का फॉर्मूला लगा। किसका फॉर्मूला, सम समिता, इफ का। सम इफ, अब इसमें तीन चीजें हैं, रेंज, क्राइटेरिया, सम रेंज। रेंज आपने सेलेक्ट डन। कीजिए कि आपको मैच किस में करना है, तो ए में। क्या मैच करना है, तो ठीक पूजा है, को पूजा मैच करना है। किसका टोटल चाहिए, तो क्वांटिटी का टोटल चाहिए। इसका। एंटर प्रेस कीजिए, रिजल्ट आपके सामने आया कि पूजा का टोटल 356 था, ठीक है। ठीक, अब इसमें एक चीज और भी आती है कि मुझे पूजा का टोटल जो नहीं चाहिए, मुझे चाहिए कि ग्रेटर देन 50 की क्वांटिटी कितनी है। मान लीजिए ग्रेटर देन 50 पे हम कुछ कमीशन देना चाहते हैं, ग्रेटर देन 50 पे क्या देना चाहते हैं, कुछ कमीशन देना समझ चाहते हैं। तो यहां भी हम सम इफ्स लगा सकते हैं। सम इफ हमने रेंज लिया और यहाँ पे अपना क्राइटेरिया लिया। अब यहाँ हम एंटर प्रेस करेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा। अब बोलेंगे ऐसा अच्छा क्यों तो हो मेरे रहा को ये है, बताओ ठीक सर, मेरे को ये बताओ आप, एक्चुअली मेरे को कल आपने ये चीज बताया था आपने, बट मैं ये कह रहा था कि जैसे पूजा का ही मेरे को इसके ज्यादा, अगर 50 से ज्यादा वाला लेना हो तो। हाँ वो भी मैं बता रहा हूँ, वो भी बता रहा हूँ, वेट कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम ग्रेटर देन 50, तो 50 से जो ऊपर चीजें हैं वो यहाँ पे आ। अब यहाँ पे ध्यान रखिए कि हमने यहाँ पे सम रेंज नहीं दिया, तो सम रेंज हाँ सबसे नहीं पहली दिया। बात है स्क्वायर ब्रैकेट में, इसका मतलब कि ऑप्शनल है। जब क्राइटेरिया रेंज और सम रेंज दोनों एक ही है, तो सम रेंज देना जरूरी नहीं है, दे भी सकते हैं और देना जरूरी भी नहीं है, ठीक है। हाँ तो इस तरह हाँ के, इस तरह से जो हमारा ग्रेटर देन है, मेरा लेस देन है, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू एंड नॉट इक्वल टू का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, लेकिन मान लीजिए कि मेरे पास कुछ इस तरह से 50 है, 70 है, 90 है, मुझे इसका टोटल चाहिए, तो क्या सब में जाके ग्रेटर देन का साइन लगाना पड़ेगा, नहीं लगाना। अगर कम है तो लगा दीजिए, नहीं आपको ज्यादा है और लगाने में दिक्कत है तो आप डायरेक्ट फॉर्मूले के अंदर ही लगा सकते हैं, इन्वर्टेड कॉमा में ग्रेटर देन और इसमें हमने एंड एंड परसेंट का साइन लगा के इसको सिलेक्ट करके एंटर कर, ठीक है। इसका ठीक इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आपके आपके सवाल पे हम आते हैं, सी बाई सी लेना था ना, गलती से सी सिलेक्ट हो गया, ठीक है। अब आपके सवाल पे आते हैं कि मुझे यहाँ हमने, उससे पहले हम बात करते हैं स्टार के बारे में, जैसे कि वी लुकअप में किया था कि यहाँ पे पूजा है और मान लीजिए पूजा सिंह भी है, तो पूजा सिंह और पूजा दोनों का टोटल चाहिए, ठीक है। तो स्टार पूजा स्टार और ये सम इफ के अंदर आप डाल दीजिए, सम इफ, और हमने रेंज को सेलेक्ट कर लिया,
हमने क्राइटेरिया को सिलेक्ट किया और हमने सम रेंज को सिलेक्ट किया, राइट। है। तो अगर आपने दोनों तरफ स्टार लगाया तो कंटेन हो जाता है, अगर आपने लास्ट में स्टार लगाया तो स्टार्ट बीट, पहले लगाया तो एंड बीट। और सिंपल सी बात है कि मान लीजिए कि मुझे तीन, जैसे MUZ दिख रहा है ना, GGN दिख रहा है ना, तीन डिजिट का चाहिए, तो क्या करेंगे हम? तो 3 बार क्वेश्चन मार्क। जी हाँ बिल्कुल सही, 3 बार क्वेश्चन मार्क, और यहाँ पे हम लगा देंगे फॉर्मूला सम इफ, और हम सिलेक्ट करेंगे अपना क्राइटेरिया रेंज, क्राइटेरिया एंड सम ये रेंज, रिजल्ट आ गया। अब आपकी आपके सवाल पे बिल्कुल आते हैं कि मुझे पूजा का टोटल चाहिए वो भी पुणे सिटी के अंदर ग्रेटर देन 50, समझे। ठीक अब कई सारे क्राइटेरिया है, तो सम है। इफ सिर्फ हाँ एक क्राइटेरिया को लेता है, अगर आपके पास एक से ज्यादा क्राइटेरिया है तो आपको यूज करना होगा सम कॉन्केटनेट बनाना इफ्स, पड़ेगा। नहीं सम इफ्स। इफ्स सम इफ्स लगाने का तरीका थोड़ा अलग है, सबसे पहले सम रेंज देना होता है कि किसको सम करना है, तो क्वांटिटी को सम करना है। पूछता है क्राइटेरिया वन रेंज, पहली क्राइटेरिया जो पूजा है उसको किस में मैच करना है, तो हमने बोला कॉलन ए में। क्राइटेरिया क्या है, इसको सिलेक्ट कर लिया, फिर हमने क्राइटेरिया टू को सिलेक्ट किया और इसको सिलेक्ट कर लिया, एंड क्राइटेरिया थ्री को सिलेक्ट किया और हमने क्राइटेरिया थ्री सिलेक्ट कर लिया। अब एंटर प्रेस कीजिए, रिजल्ट आपके सामने, ठीक है। अच्छा, इसमें पहले हमें वैल्यू देना होता है। ठीक जी हाँ, सम इफ जब लगाते हैं तो सबसे पहले देना होता है सम रेंज, मतलब तो किस कॉलम का सम करना है, फिर आप अपना क्राइटेरिया है, रेंज तो क्राइटेरिया रेंज क्राइटेरिया रेंज देते चले जाइए, ठीक है। क्राइटेरिया रेंज के बाद आपने फिर कॉमा लगा के दूसरा में पूजा डाल दिया है। पहले नहीं समझे, देखिए आपने हमने कैसे पहले सेलेक्ट किया, पहले सेलेक्ट किया किसको सम करना है, फिर सेलेक्ट किया कि ये जो पहली क्राइटेरिया पूजा है किस में देखी जाएगी, तो हमने बोला कॉलन ए में, फिर फिर पूजा को सिलेक्ट कर लिया, फिर बोला दूसरी क्राइटेरिया पूजा पूजा है क्यों किस में, सेलेक्ट किया? तो सर कैसे पता चलेगा कि इस कॉलन ए में पूजा ही लेना है। तो मैं वही जानना चाहता हूँ कि उसके बाद उसमें क्या ऑप्शन आ रहा था कि जिसकी वजह से आपको लगा कि आप पूजा सेलेक्ट करना है, यहाँ या देखिए फिर ऐसा भी कहीं। क्राइटेरिया, वो देखिए क्राइटेरिया रेंज वन क्राइटेरिया वन, अच्छा, ठीक है, डन डन डन, समझ गया समझ गया। क्राइटेरिया रेंज टू, क्राइटेरिया टू, ठीक है, तो आ सम गया समझ, इफ ठीक और है, सम इफ्स आपको समझ में आ गया। आ गया सर। ठीक चलिए अब इसमें हमारे पास एवरेज के भी फॉर्मूले हैं, सम के बाद हम बात करते हैं एवरेज, ठीक है। सॉरी सर, तो है, एवरेज, कोई नहीं, ठीक तो एवरेज एवरेज जिसको हम हिंदी में औसत कहते हैं वो कैसे निकलेगा, ठीक है ना। तो एवरेज के हाँ, लिए फॉर्मूला होता है एवरेज का, किसका होता है एवरेज। एवरेज। एवरेज क्या करता है कि आपका वो एवरेज निकाल के देता है इसका एवरेज क्या है। एक एवरेज ठीक ए भी है, तो एवरेज जो है ट्रू फॉल्स को कंसीडर नहीं करता है, बट एवरेज ए ट्रू फॉल्स को कंसीडर कर लेता है, ठीक है। देखिए हम बात कर रहे हैं एवरेज विथ कंडीशन, मतलब कि एवरेज इफ, तो एवरेज इफ भी जस्ट लाइक सम इफ की तरह होता है कि हमें एवरेज इफ दिया और हमने यहाँ पे अपना क्राइटेरिया रेंज लिया, क्राइटेरिया लिया, सम रेंज, बिल्कुल सम इफ की तरह कोई चेंजिंग नहीं है, ठीक है। और जैसे सम इफ में सारी चीजें लगाई है ऐसे आप एवरेज इफ में लगा सकते हो, जैसे आपके पास मल्टीपल कंडीशन है तो सम इफ्स लगाया था ऐसे आप यहाँ एवरेज एवरेज इफ्स लगा सकते हैं। इफ्स, इसमें नीचे हमने वाला, ठीक सम रेंज ले लिया अपना, सॉरी एवरेज है, ठीक रेंज, क्राइटेरिया वन रेंज, क्राइटेरिया वन, क्राइटेरिया टू है, रेंज, क्राइटेरिया टू, ठीक क्राइटेरिया थ्री रेंज, क्राइटेरिया थ्री, है, ठीक ठीक है ना। अब इसमें देख लीजिए है, कुछ गलती तो नहीं हुआ, सी बाई सी, ए बाई ए, ए 16, बी बाई वाई। अच्छा यहाँ पे देखिए हमने ए छोड़ दिया, सिटी नहीं सिलेक्ट किया अच्छा, ठीक है, इसलिए एन ए आ रहा है, यहाँ पे क्लिक करके सिटी सिलेक्ट कर, अच्छा इसमें सिलेक्शन ऑप्शन नहीं है, हाँ, एक ये सेकंड सर, एक है। सेकंड, हाँ, नहीं, रुक गया है सर, एक सेकंड।
हाँ हाँ सर बताइए। हाँ ठीक है, तो यहाँ पे हमने दूसरे क्रेट वो नहीं लिया था। ठीक है, अब आ जाएगा। नहीं यार, अच्छा 8186 हो गया, 8 गलत डाल दिया। होने लगा। आ गया सर? हाँ सर, हो गया हो गया, ठीक आ गया आ है, गया। तो ये आपका एवरेज के साथ। अब एवरेज के साथ हम काउंट इफ भी लगा सकते हैं, ठीक है ना। काउंट के भी दो तीन फॉर्मूले ठीक हैं। सबसे पहले आता है काउंट, जो कि नंबर को काउंट करता है। फिर जी, आता है काउंट ए, नंबर और टेक्स्ट दोनों को काउंट करता है, ठीक है। ठीक है फिर डन। आता है हाँ काउंट ब्लैंक, ओके, तो ये काउंट ब्लैंक जो है वो कब काउंट ब्लैंक वाली सेल को काउंट करेगा, काउंट अगर उसमें ब्लैंक। कुछ अच्छा इसमें लिखा होगा काउंट तो। ब्लैंक नहीं है, नहीं है, एक्सेल में होता है। काउंट ब्लैंक जो कि सिर्फ ब्लैंक्स को काउंट करता है, ठीक ठीक है, है। अब यहाँ उसके पे बाद तीन मुझे देगा। अगर ठीक पूजा को काउंट करना है तो हम क्या यूज करेंगे? है, तो काउंट काउंट करना है तो इफ। काउंट इफ, काउंट इफ जी हाँ, इसमें इसके अंदर रेंज और क्राइटेरिया। कॉलन ए में पूजा कितना बार रिपीट आ गया। और हाँ काउंट इफ के ठीक है, अंदर भी ठीक ये सारे कंडीशन इस्तेमाल कर सकते हैं। और मल्टीपल है, कंडीशन में हम क्या यूज करेंगे? काउंट काउंट टिप्स। इफ्स। जी हाँ, काउंट इफ्स। और इसका भी सेम, इसमें कोई चेंज नहीं है। क्राइटेरिया रेंज, क्राइटेरिया कंडीशन, क्राइटेरिया रेंज 2, कंडीशन रेंज 2, क्राइटेरिया रेंज 3, क्राइटेरिया रेंज 3। और ये आपको काउंट करके दे देगा कि 4 काउंट इसका आया, ठीक है। पूजा पुणे में 50 से ज्यादा 4 बार है। ठीक है, समझ समझ गए? अब गया। इसको आप कीजिए प्रैक्टिस। कल हम कुछ क्वेश्चंस भेजेंगे जिसको आपको सॉल्व करके मुझे हाँ भेजना हाँ है। हाँ जी।